नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान में भाजपा की जीत के 25 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी सरकार की तस्वीर अधूरी है। मुख्यमंत्री भजन लाल की टीम के सिर्फ दो चेहरे ही सामने आए हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। मंत्रिमंडल में बाकी नामों पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि संभवतः राजस्थान में ये पहला मामला है जब चुनाव परिणाम में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के 25 दिन बाद तक मंत्रिमंडल विस्तार ना हुआ हो। इसके पहले अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जब भी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जल्दी टीम गठित कर ली और बड़े डिसीजन भी लेने शुरू कर दिए थे। लगभग 30 दिन के भीतर गहलोत और राजे ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक तक कर ली थी। इस बार अब तक मंत्रिमंडल का गठन ही नहीं हुआ है। राजस्थान की पिछली 3 सरकारों का एनालिसिस किया और जाना कि उस समय सीएम की घोषणा और मंत्रिमंडल गठन में कितना समय लगा था। साथ ही ये भी समझने की कोशिश की कि इस देरी की वजह से जनता को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। 30 दिन के भीतर गहलोत और राजे ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक कर ली थी, जबकि इस बार 25 दिन में मंत्रिमंडल का गठन ही नहीं हुआ है। 30 दिन के भीतर गहलोत और राजे ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक कर ली थी, जबकि इस बार 25 दिन के बाद भी इसका गठन नहीं हो पाया है। पिछली गहलोत सरकार की बात करें तो चुनाव परिणाम से लेकर मंत्रियों की शपथ और पोर्टफोलियो देने में 15 दिन लग गए थे। उस समय गहलोत पायलट में किसी एक को सीएम चुनना था और कांग्रेस ने 3 दिन में वो फैसला कर लिया था। गहलोत ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता खत्म कर दी। बता दें, कांग्रेस मैनिफेस्टो को रखा और उसे सरकार डॉक्यूमेंट बनाकर अधिकारियों को टारगेट दे दिए थे। बैठक में वसुंधरा राजे सरकार ने कांग्रेस की जिन योजनाओं को बंद किया था, उसको फिर से शुरू करने का फैसला भी किया गया। स्थानीय निकायों में मेयर, सभापति और चेयरमैन के चयन के लिए सीधे चुनाव करवाने का भी निर्णय किया। पहली कैबिनेट में वृद्धावस्था पेंशन योजना को 500 से बढ़ाकर 750 रुपए और 750 की कैटेगरी को बढ़ाकर 1000 कर दिया गया था।